Hello dear students, today I am going to explain chapter number 5 of class 6. The title of the chapter is Swimming Across the English Channel. Students, you must have heard about adventurous sports like bungee jumping, rock climbing, diving, swimming, rafting, snowboard, etc. Such sports give us immense joy and happiness. However, these sports are full of high degree of risk, and the people who take this risk are very courageous and talented. In this chapter, we are going to talk about a well-known swimmer, Aarti Saha. She was the first Asian woman to swim across English Channel on 29 September 1959. She was born in Calcutta, West Bengal. She had started swimming at very early age of 4 years. She is inspired and trained by a very popular Indian swimmer, Mihir Sen. Student, इस चैप्टर में मैं आपको एक वर्ल्ड फेमस स्विमर Aarti Saha के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने मिहिर सेन जैसे महान भारतीय तैराक से इंस्पायर्ड होकर उनसे ट्रेनिंग लेकर इंग्लिश चैनल जैसे बड़े नहर को पार किया. स्टूडेंट, इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश चैनल, इट सेपरेट्स इंग्लैंड फ्रॉम यूरोप. इट कनेक्ट्स द नॉर्थ सी टू द अटलांटिक सी एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजीएस्ट शिपिंग रूट्स. इंग्लिश चैनल एक ऐसा नहर है जिसकी चौड़ाई अप्रॉक्स 33 किलोमीटर है और ये नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है और इंग्लैंड व यूरोप को अलग करता है. इंग्लिश चैनल दुनिया के बिजीएस्ट सी रूट्स में से एक है. स्टूडेंट, इस चैनल को पार करना कोई आसान काम नहीं है. जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, क्लाइम करना एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, उसी प्रकार क्रॉसिंग इंग्लिश चैनल इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, क्योंकि इसे क्रॉस करते हुए स्विमर्स को जेलीफिश के ख़तरनाक डंक को झेलना पड़ता है. दूसरी तरफ सी वेव्स तैराक को बहुत थका देते हैं. 33 किलोमीटर जैसी लंबी दूरी को तैर कर पार करने में तैराक को एग्जॉशन यानी थकावट भी फील होती है, जो उन्हें फैटल यानी जानलेवा उनके लिए भी जानलेवा भी साबित होती है. लेकिन सन 29 सितंबर 1959 में को Aarti Saha ने इस डॉन्टिंग यानी डर पैदा करने वाले टास्क पर जीत हासिल की. एंड इफ वी टॉक अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ Aarti Saha, शी वॉज बॉर्न इन 1940 इन कोलकाता, West Bengal. She was interested in swimming right from her childhood. उनका जन्म कोलकाता में 1940 में हुआ और उनकी जो ये स्विमिंग यानी तैरने की आदत वो बचपन से ही थी. वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी स्विमिंग करने में. She was encouraged by her coach Sachin Nag to participate in various competitions. और सचिन नाग इनके सबसे पहले कोच रहे जिन्होंने उन्हें काफ़ी इनक्रेज किया अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. शी वॉन 22 स्टेट कॉम्पिटिशन बिटवीन द पीरियड 1945 to 1951, और इस पीरियड में यानी 1945 से 1951 के पीरियड में उन्होंने 22 स्टेट कॉम्पिटिशन जीता. शी वॉज मोटिवेटेड टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल बाय एन इंडियन स्विमर मिहिर सेन, और मिहिर सेन जैसे महान तैराक ने उन्हें मोटिवेट किया इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए. ही अकॉम्प्लिश्ड ए फीट विच नो स्विमर हैड डन बिफोर, और उन्होंने तैराकी में ऐसा अचीवमेंट हासिल किया है जो किसी भी स्विमर ने अब तक हासिल नहीं किया है. ही स्वैम अक्रॉस द 7 seas of the 5 continents in a single calendar year, यानी एक ही साल में उन्होंने कितने
सेवन सीज ऑफ फाइव कंटिनेंट, पांच कंटिनेंट के सात समुद्र को क्या किया है, पार किया है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। और सबसे पहले मिहिर सेन जो थे सबसे पहले एशियन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। आरती बिगैन ट्रेनिंग एट द यंग एज, शी यूज टू पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रेनिंग टू बिल्ड अप स्टेमिना। आरती ने इनके निगरानी में, इनके गाइडेंस में अपनी ट्रेनिंग शुरू की और उन्होंने उसने सबसे पहले अपना स्टेमिना बनाना शुरू किया। वो अक्सर नेचुरल वाटर बॉडीज़ में स्विमिंग की प्रैक्टिस किया करती थी, जैसे रिवर, सीज, है ना, इंस्टीड ऑफ स्विमिंग पूल, टू गेट यूज टू टाइड्स, वेव्स एंड सी क्रिएचर्स, ताकि वो जो है प्रैक्टिकल उनका हो सके, वो टाइड्स का सामना कर सकें, सी क्रिएचर्स का वो सामना करने के सक्षम हो सकें। शी ऑल्सो मेड मेंटल प्रिपरेशन टू डिवेलप मेंटल टफनेस टू स्टे मोटिवेटेड इवन आफ्टर स्विमिंग फॉर आवर्स। और वो एक मेंटल टफनेस चाहती थी ताकि वो इस तरीके के चैलेंजेस को फेस करते हुए वो घंटों स्विम कर सकें। उनके साथ एक पायलट टीम हुआ करती थी जो उन्हें डायरेक्शन दिया करती थी कि वो कैसे इंग्लिश चैनल को पार कर सकती हैं। एंड शी मेड हर ओन रिकॉर्ड ऑफ स्विमिंग अ डिस्टेंस ऑफ 42 miles इन 16 hours and 20 minutes। उन्होंने स्विमिंग का अपना खुद का रिकॉर्ड बनाया 42 miles को 16 hours में पार करके। शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द हेलसिंकी ओलंपिक्स इन द ईयर 1952 में उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट शी वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री इन 1960। अगर उनके रिकॉग्निशन की बात की जाए तो 1960 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। आरती डाइड ऑफ जॉन्डिस ऑन August 23, 1994। अ स्टैम्प वॉज इशूड बाय द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इन हर मेमोरी इन 1999। आरती जो थी, आरती साहा ने 23 अगस्त 1994 में जॉन्डिस होने के कारण उनका डेथ हो गया। उनकी याद में 1999 में इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के ज़रिए एक पोस्ट स्टैम्प भी इशू किया गया था। एंड हर अचीवमेंट्स मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड मेनी अदर इंडियन एंड एशियन स्विमर्स। उनके अचीवमेंट्स ने ना जाने कितने इंडियन और ओवरसीज स्विमर्स को इंस्पायर्ड किया। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। एंड नाउ स्टूडेंट्स, नोट डाउन द वर्ड मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आफ्टर राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर। ओके देन, थैंक यू।